पता नहीं अब क्या होगा। एक तरफ उस ताऊ की प्रेतात्मा वाले नाटक की धमाल, उससे पर्दा उठने वाला है, और दूसरी तरफ वो अभिजीत, वो नहीं मिल रहा। अरे ये क्या, दुकान अभी तक बंद है। 4:04 हो गए, ये लोग भी नालायक। केशव भाई, अन्ना भाई, 4 मिनट क्या, आपकी दुकान 4 घंटे भी बंद रहेगी तो आपका दिवाला नहीं निकलने वाला है। राजा राम पेट जाना है हमें, राजा राम पेट। वो अभिजीत जो है वो आखिरी बार राजा राम पेट जाते हुए नजर आया था। वहां जाके पूछताछ करते हैं ना, कहीं किसी दुकान में, ऑफिस में उसका कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई तो सुराग मिले। नहीं नहीं पापा, अभी हमें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हा? क्योंकि गायत्री तो चाहती नहीं कि हम उसे मिले। हम ये मान लेते कि वो कहीं भाग गया हमें बेवकूफ बना के, क्योंकि गायत्री को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। गायत्री, वो अभिजीत का नाम मैरिज सर्टिफिकेट में तेरे साथ जोड़ा रहेगा तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं नहीं अन्ना, मुझे मतलब ये कहां की बात को कहां लेकर जा रहा है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कुछ हुआ, मेरा मतलब वो भाग गया, उससे मैं कुछ नहीं बताया, ये बात मैं मानती हूँ, ये बहुत गलत किया उससे। लेकिन अब इस चीज का गुस्सा हम बेचारे कृष्णा पर तो नहीं निकाल सकते ना। बरोबर बोलेगी गायत्री, वो छोटे से बच्चे पे गुस्सा उतारने की बात तूने सोची भी कैसे? नहीं नहीं, मैंने गुस्सा निकालने की बात नहीं सोची है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम कृष्णा की जिम्मेदारी अपने सर पर क्यों ले, हम उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं ना। कितना अच्छा सुझाव दिया अभिषेक ने। हाँ तंबूरा अच्छा सुझाव दिया इसने। अन्ना भाई, इतने छोटे से बच्चे को हम पुलिस के हवाले करेंगे? बरोबर बोले महेंद्र भाऊ। अब इस बैंगन को पकड़े रखना। महेंद्र भाऊ, आपने दूसरी बार मुझे बैंगन बोला, अब की बार अगर मुझे बैंगन बोलेंगे ना तो देख लेना। अभिषेक, गायत्री, अभी वो अभिजीत और कृष्णा की पूरी बात हम लोगों पे छोड़ दो और तुम दोनों शादी की तैयारी करो। 17 जनवरी को तुम दोनों की शादी धूमधाम से होगी, वो सर्टिफिकेट का मामला सुलझे या ना सुलझे। लेकिन अन्ना, अब गायत्री से पूछिए कि वो उसकी लाइफ मेरे साथ गुजारना चाहती भी है या नहीं। अब ये क्या नाटक है गायत्री, हमने कितनी मेहनत की है पता है, आधी आधी रात को घर में घुस। एक 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 मिनट, आपने क्या मेहनत की? ये आप तो तलाक करवाना चाहती थी इन दोनों का। जो कुछ भी अच्छा हुआ वो मेरे ताऊ की वजह से हुआ, उनकी प्रेतात्मा ने आकर के मुझको बोला कि तलाक रुकवाओ, जबकि मैं तो तलाक करवाना भी नहीं चाहता था। और दूसरे में ये उर्मिला बहन क्या बोल रही थी फोन पे, कमरे में घुसना होगा। ये अन्ना भाई से कहेंगे कि गायत्री और अभिषेक का जो हम पुनर्विवाह करवाने वाले हैं विधि अनुसार मकर संक्रांति के बाद, वो 17 जनवरी को ना, उसके लिए आप, मैं और महेंद्र मिलकर एक 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 कॉमेडी आइटम, ऐसा एक नाटक करने वाले हैं, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम आपके कमरे में घुसने वाले थे, और आपकी गैर मौजूदगी में कमरे में घुसने वाले हैं ताकि वो सरप्राइज सरप्राइज ही रहे। अच्छा हुआ उर्मिला ने फोन पे मुझे सब कुछ बता दिया था। अन्ना भाई, कमरे में घुसने वाली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि मैं और उर्मिला अभिषेक और गायत्री के लिए एक सरप्राइज नाटक करने वाले थे, और आपको इसके बारे में नहीं बताना था। क्यों, मुझे क्यों नहीं बताना था? क्योंकि आप सबके डायलॉग्स खा जाते हैं, फिर भी आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ना कि अभी क्या कर सकते मैं प्रतिभाशाली हूँ तो हूँ। आप है ना प्रतिभाशाली, तो आप शांत रहिए, और आप दोनों अपना झगड़ा जल्दी से सॉल्व कीजिए, तब तक मैं और अन्ना भाई अभिजीत को ढूंढने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे के अंदर पुलिस से पहले अभिजीत को ढूंढ के यहाँ लेकर आएंगे, आप लिख लीजिए, टेक इट फ्रॉम मी। अच्छा हुआ उर्मिला ने फोन पे मुझे सब कुछ बता दिया था। अन्ना भाई खड़े क्या है? चलिए 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 अन्ना भाई चलिए। अरे वाह, ये तो मैं हूँ, देखिए मेरे हाथ में लाठी भी है, अभी पता चल जाएगा कि लाठी का रंग क्या है। इसे लाठी के रंग की पड़ी। अमोल बड़ा, तू शांत रह। हाँ बड़ा, मंदा शक्ल तो नहीं दिख रही है, लेकिन 100% उर्मिला वही नहीं है। परंतु हम ये सिद्ध कैसे करेंगे? अमोल तुझे कुछ याद आ रहा है? कोशिश करना बेटा, कुछ याद आ रहा है? मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें क्या है, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ ना, वो लाठी उधर ही होगी। अरे तू वही अटका, लाठी नहीं बाड़ा, उर्मिला वहीनी, उर्मिला वहीनी। लेकिन उर्मिला मम्मी के पास तो लाठी थी ही नहीं। अरे उर्मिला मम्मी ही नहीं थी,
वो तो बिस्किट था, बिस्किट कंबल के नीचे, जो उर्मिला मम्मी की मिमिक्री कर रहा था, मालूम? इसमें कोई शंका नहीं है अमोल काका कि वो उर्मिला आंटी ही थी, क्योंकि उन्होंने कंबल पूरी तरह से ओढ़ा हुआ था ताकि उनका चेहरा ना दिखे। तो केशव काका, कोई अपना चेहरा छुपाने का प्रयत्न क्यों करेगा? मतलब उन्होंने कोई भेष डाला होगा अंदर, जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। बिल्कुल सही, अगर उन्होंने नकली भेष डाला है तो वो भेष अभी भी उनके घर में होगा, अगर वो हाथ लग जाए तो। वो तो समझ ले मंदार, भूत की चोटी हाथ में आ जाएगी। भूत की चोटी हमारे हाथ में, तो चलो चलो उर्मिला मम्मी के घर जाके वो भेष मांग के आते हैं। अमोल अमोल बाड़ा, तू मत आ बाड़ा, लाठी का रंग क्या है पता चला? नहीं ना, तू एक काम कर, तू अंदर जा हा? और वो रंग दे, और फिर मुझे कल बताना कौन से रंग की लाठी थी। ठीक है, जा। मंदार तू मेरे साथ चल, बस एक बार वो भेष मेरे हाथ लग जाए फिर तू देख मैं क्या करता हूं। उर्मिला वैनी। नहीं 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 महेंद्र भाऊ, मैंने बोला ना अभी, मैं मुझे जाना ही नहीं है इस रिक्शे में। अभी आपको क्या प्रॉब्लम है अन्ना भाई, जैसा आप चाहते हैं। प्रॉब्लम मुझ में है या इस रिक्शे में है? एक तो इसके नंबर की पार्टी देखो, अंग्रेजी में है। अभी महाराष्ट्र में रहकर जो आदमी मराठी भाषा को अनदेखा करे उसके रिक्शा में मैं बैठू ही क्यों? इससे पहले वाले की नंबर प्लेट तो मराठी में थी, उसमें क्यों नहीं बैठे आप? आपने देखा नहीं क्या उसकी जबान लाल थी? जुबान का लाल होना और आपका उसके रिक्शे में बैठने से क्या लेना देना है? जबान लाल अर्थ क्या? क्या पान खाता था, पान खा के इधर उधर सड़क पे फूकता दिखता होगा। अभी जिसके मन में महाराष्ट्र के सड़क की परवाह नहीं, उसके रिक्शे में बैठकर मैं अपनी संस्कृति का अपमान नहीं कर सकता। अन्ना! अरे बाप रे, अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ से भागना, मैं भागता हूँ। अरे नहीं नहीं अन्ना भाई, अन्ना भाई रुकिए रुकिए आप। अरे महेंद्र भाऊ, वो आ रही है, भारतीय वृत्ति प्रताड़ित करेगी, वो सवाल पूछेगी खाने में क्या बनना। भारती जो, जो जो बनाना है बना, तुझे प्रभाकर की कसम है अगर कुछ भी पूछा तो। मैं बताना भूल गई कि अभिजीत डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव? भारती का भाई राघव। क्या 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 भारती का भाई राघव? अरे वो भी बहुत बड़ा डिटेक्टिव है ना, बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए उसने, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। कौन से केस? उनके घर में किसी की चप्पल खो गई थी, पाए पैर की, 24 घंटे में ढूंढ निकाली, है ना भारती? हाँ। भारती तू बोल। बराबर। अन्ना खाने में क्या बनाऊं? उसके अलावा ये अभिजीत कहाँ हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताया क्या अभिषेक ने? शर्म मानी चाहिए तुम दोनों को, और खासकर तुम्हें अभिषेक। मैंने इसे बोलिए ना, यही तरफदारी कर रही थी ना उसकी? हाँ कर रही थी और कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वो फरार नहीं हो सकता, और अगर वो फरार हुआ भी है तो निर्मिति भाभी उसके पीछे जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ऐसी भी क्या मजबूरी? डिटेक्टिव ऐसा करते हैं अभिषेक, जब वो कोई केस हैंडल कर रहे होते हैं और उनके हाथ कोई सबूत लग जाता है तो वो जानबूझकर गायब हो जाते हैं ताकि वो सबूत उनसे छिन ना जाए और एंड वक्त पर वो सबूत को कोर्ट में पेश कर सके। तो ये हमें बता के जाता ना वो, हम क्या दुश्मन है उसके? हो सकता है बताने का मौका ना मिला हो, या उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, या वो किडनैप हो गया हो। वहनी ये ना सिर्फ हवा में तीर छोड़ रही है, इसके पास सिर्फ अनुमान है, और अगर मेरा अनुमान सही निकला तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा बस। और वो वाकई में फरार हो गया हो तो यहाँ अपने बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर? आप उसकी चिंता मत कीजिएगा अभिषेक अंकल। कृष्णा बैग क्यों पैक की तूने? क्योंकि मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कहीं भी, मुझे पता है मेरी वजह से आप लोग प्रॉब्लम में फंस गए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और अगर है भी तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही यहाँ से चले जाना उसका सॉल्यूशन। मेरे पापा इस तरह कई बार घर छोड़ के गए हैं, कई बार इसी तरह फोन नहीं करते थे, मुझे आदत है इसकी। बेटा तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए कि तब मैं हमेशा मेरे घर में हुआ करता था। कृष्णा बेटा ये तुम्हारा ही घर है, और तुम्हारे पापा जब तक वापस नहीं आते तुम कहीं नहीं जाओगे,
सुसु भी नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अंदर चलते हैं। बैग ला। समझ आया तुम्हें? ये पहली बार नहीं है कि अभिजीत इस तरह गायब। ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात, बस लेकिन शर्त अभी बाकी हमारे बीच। अगर वो वाकई में फरार हो गया हो तो। वाइब्रेट क्या हो रहा है? मेरा फोन। पापा। हालांकि मैं सबके नाम में बहुत गड़बड़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने आपकी बेटी का नाम कोई भी गड़बड़ किए बगैर लिया था और आपको कसम दी थी उसकी कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं कंबल ओढ़ के क्यों। उर्मिला वहिनी, शाम, मैं कहाँ आपसे कुछ पूछ रहा हूँ? अच्छा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैंने जान लिया है कि आपने कंबल क्यों ओढ़ा था। अच्छा, क्यों ओढ़ा था, क्या जान लिया आपने? उर्मिला वहिनी, सच आपके मुंह से ही अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा कर मैंने आपको कसम दी है उसके बावजूद मुझसे उगलवाने की कोशिश करेंगे और मैं सब कुछ उगल दूंगी नीरव भाई? अच्छा चलो मैं आपको बता देती हूँ। मैं ना बाहर ठंड कितनी है ये जानने के लिए कंबल लोड कर निकली थी उस रात को, और हाय हाय कितनी ठंड थी पता है? 9 डिग्री थी। 9 डिग्री नहीं, 2 डिग्री ठंड थी बाहर। 2 डिग्री नहीं, माइनस ट्वेंटी डिग्री थी बाहर। बोलो, हमारा पुणे क्या सियाचिन बन गया है जो -20 डिग्री ठंड हो जाएगी? कमाल है बिस्किट। उर्मिला वहिनी घर के बाहर गई फिर भी उन्हें पता नहीं चला कि ठंड कितनी है, इसीलिए वो कंबल ओढ़ के हमारे वाड़े में घुस गई। बिस्किट, मैंने देखी है बड़ा, सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी है। रे भाई, वो तो आपके अन्ना भाई ही बोलते हैं ना कि अच्छे से अच्छी ठंड अगर कहीं पड़ती है तो वो हमारे वाड़े में। इसलिए महेंद्र ने मुझसे कहा, मींस के मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि उर्मिली चल वाड़े में ही जाकर नाप लेते हैं कि ठंड कितनी है। बहुत चालाक है आप उर्मिला वहिनी, बहुत चालाक है। थैंक यू, लेकिन मुझसे थोड़ी कम। मेरे सामने आपकी चालाकी नहीं चलेगी, मैं किसी ना किसी तरह जान के ही रहूंगा कि बात क्या है। बिस्किट, आजा 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 बड़ा, आजा इधर 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 इधर। ए अरे रुक रुक रुक, अरे ए बिस्किट, मैं सब समझती हूँ कपट भाई, अपने जानबूझकर मेरे मिस, मैं आपकी सारी चाल समझती हूँ, मैं ही छोड़ूंगी नहीं आपको, मैं देख लूंगी आपको बिस्किट उभो रे। चली जा, चली जा। काकाशी, मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं चलना। उर्मिला वहिनी के आ जाने से पहले बस कोई ना कोई सुराग हाथ लग जाए। हाँ तो फिर भाड़ में जाइए, आप जाइए भाड़ में, हम मराठी लोग हैं, हम लोग भाड़ में नहीं जाते, हम लोग स्वर्ग में जाते हैं। अच्छा, आप मराठी में भाड़ को स्वर्ग बोलते हैं? भाई 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 बीच सड़क में झगड़ा करने की बजाय हम अभिजीत जी को ढूंढते हैं ना? नहीं, मैं इनके साथ अभिजीत को ढूंढने तो क्या, मेरे अरबों रुपए खो गए होंगे ना, वो ढूंढने भी नहीं जाऊंगा। हाँ तो मुझे भी नहीं जाना है आपके साथ में, एयर कंडीशन बीर कंडीशन वाली टैक्सी में बैठ के जाना है इनको, रईस ज्यादा कहीं के। अरे लेकिन पैसे तो मैं दे रहा था ना। अग भाई, इन दोनों के बीच तो जैन भाव जी के पिक्चर का सीन बन गया है। हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ, समधी बिल दे चुके सनम। उसमें जो समधी था इनके जैसा ही था, घमंडी। पत्नी की अंतिम यात्रा में भी पैसे उड़ाता है, और वो गाना बाप रे बाप, पाव में गिरी चटनी, मरी मेरी पत्नी, पत्नी का किया ऐसा अंतिम संस्कार, देखे होगा मरने का मन बार बार। भारती, अच्छा क्या रास्ते में पुप्पू पापा कर रही है? एक्सक्यूज मी भाई साहब, पुणे में जो दिमागी मरीज का अस्पताल है इनसे पूछिए,
ये अभी अभी वहीं से भाग कर आ रहे हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी, पुणे में जो दिमागी अस्पताल से आप भाग के आ रहे हो? ये माठा मुझे क्या पूछ रहा है, इनको पूछ, इनको, ये आए हैं भाग के। और महेंद्र भाव आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दिमागी मरीज कहने की? दिमागी मरीज तो आप दिखते हैं, कपड़े देखो मैचिंग मैचिंग, बटन के ऊपर बटन। अरे फैशन के बारे में आपको क्या पता अन्ना भाई? अन्ना अभिषेक का फोन है आपके लिए। अरे कपड़ों के बारे में तो आप मुझसे बात ही मत। एक मिनट गप पर बैठो, प्रभाकर फोन दे बड़ा आपको। नहीं 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 इसको दे इसको, क्या है ना फोन में पुणे के दिमागी अस्पताल का पता है, काम आएगा इसको। अरे मुझे दे मुझे, अरे इसको लेके जाओ दिमागी अस्पताल में। हेलो बाड़कृष्ण गोखले बोल रहा हूँ। हेलो अन्ना आप कहाँ हो? राजा राम पेट। अच्छा आप वही रुके, मैं अभी वहां आता हूँ। रह गया ये छोटा अन्ना, पर देखो कहीं पकड़ा गया तो। पकड़ लिया ना लुच्चे। आप अभी तक इधर ही है? क्या हुआ, मेरी आवाज सुनकर से चोर उचक को जैसी हालत क्यों हो गई आपकी रामेश्वर भाई? मैं कहते रहे आपकी ऐसी हालत हुई है उर्मिला विनी? देखिए देखिए आपकी शक्ल, देखिए आईने में दिख रहा है? दिख रहा है मुझे, साफ दिख रहा है। उल्लू नहीं हूँ मैं, आपने मेरे बिस्किट को जानबूझकर बाहर भगा दिया। नहीं नहीं, अरे मैंने इसे उठाया ना ऐसे खिलाने को तो वाइब्रेट होने लगा सर, थर 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 थर, हाँ तो मुझे गुदगुली होने लगी, तो हाथ से मैं ऐसे रखने जा रहा था कि ऐसे सरक करके सरक गया हाथों से। बाकी मेरा क्या फायदा इसे ऐसे बाहर भेज के, ओके ना बिस्किट। हाँ तो आप कंबल ओढ़ के ठंडी नापने गई बाहर। अरे आप फिर से शुरू हो गए? हाँ मैं बाहर ठंड नापने नहीं गई थी, चलो। और मैं क्या करने गई थी ये मेरा बताने का मूड नहीं है, क्या कर लेंगे आप? हाँ देखिए उर्मिला बहनी, मैं शांति से बात कर रहा हूँ और आप? और मैं गुस्से से बात कर रही हूँ, क्या कर क्या लेंगे आप? हैं ऐसा कोई कानून है महादेव पेट में कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते कंबल ओढ़ के? मैं ऐसा कोई कानून नहीं है, अपने घर के बाहर तो जा ही सकते हैं, लेकिन दूसरों के घर में ऐसे? दूसरे के घर में ऐसे घुस के क्या डाका डाला, चोरी की? कोई सबूत है आपके पास, साबित कर सकते हैं आप? और अगर कर सकते हैं तो भिजवा दीजिए जेल में मुझे। नहीं, जेल नहीं, जेल नहीं, काला पानी, काला पानी दिलवा दीजिए मुझे। नहीं नहीं काला पानी नहीं, फांसी 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 बेस्ट ऑप्शन है, फांसी दिलवा दीजिए मुझे। लेकिन आप मेरा पीछे छोड़िए, मुझे बहुत काम है, दो दो शादियां करवानी है मुझे। अरे देखो उर्मिला वहीं ऊपर गई तो मंदर पकड़ा जाएगा, रुक जाइए उर्मिला वहीं। ए ए आप ऊपर क्या जा रही है? हाँ ऐसे फेस टू फेस बात करते हैं ना, फेस टू फेस। कमाल के आदमी हैं आप, अगर मैं कंबल ओढ़ के वाड़े में घूमूं तो आपको प्रॉब्लम, मैं कंबल ओढ़े बगैर अपने घर में घूमूं तो आपको प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम क्या है इतनी? क्या है ये आवाज, ऊपर से कैसे आई? कौन सी आवाज? एक मिनट, वो आपका भंडार किधर है? भंडार? कौन सा खादी भंडार? ए वाइडा नहीं था आपका वो, अरे वो अन्ना भाई का छोटा स्वरूप, वो संस्कृत का पुजारी आपका भतीजा। अरे उर्मिला वेनी उसका नाम मंदार है, भंडार नहीं। हाँ भाई आई, अब जाके समझी कि आप अभी तक मेरे घर में क्या कर रहे हैं, आपने मेरे बिस्किट को जानबूझकर घर से बाहर क्यों भगाया ताकि उसके पीछे पीछे मैं घर से बाहर जाऊं और तब तक आपका भंडार मेरे घर में घुस के अंदर तो ताऊ के कपड़े पड़े हैं थैले में, कहीं वो उस छोटे अन्ना के हाथ लग गए तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। ताऊ के कपड़े, कुछ तो गड़बड़ है। अरे देवा मेरा बेचारा मासूम मंदर के इनके हाथ लग गया तो। ओहो, फोन करता हूँ।
काका श्री, आपका आशीष रंग लाया। कौन आशीष? अरे वो सब छोड़, तू जल्दी से कहीं छुप जा वरना पिटाई से सारा रंग धुल जाएगा। मुझे एक सुराग मिल गया है काका श्री। अरे तू पहले छुप। किधर छुपूं? देवा 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 देवा। जो 100% वो अन्ना का लाल यही आया है। जरूर जरूर वो भंडार लेके चला गया होगा। अब वो अन्ना भाई के सामने वो ताऊ वाले कॉस्ट्यूम निकाल कर दिखाएगा। और अगर इस बार फिर से भांडा फूटा तो? अगर क्या भांडा फूटेगा ही फूटेगा। मुरी गई भाई राव।